एमकेएम रहनुमा सलीम शहजाद ने सिटी कोर्ट में मौकफ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मेडिकल सहूलियत फराम नहीं की जा रही, मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर से 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। एडीसी ने भी ऑर्डर किया था मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट का, और अभी कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट का, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। लेकिन 3 अप्रैल से आज 14 अप्रैल हो गए, मुझे जेल के किसी डॉक्टर ने ना के चेक किया, ना देखा, ना बाहर भेजा, जबकि बेशुमार लोग जो सजा याफ्ता हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में आराम कर रहे हैं। इधर एमकेएम से मायूस सलीम शहजाद ने तहरीके इंसाफ से मदद मांग ली। बोले, इमरान खान सियासी इख्तलाफ भुलाकर इनके इलाज के लिए आवाज़ उठाएं, शदीद अलील हूं, इलाज ना हुआ तो नुकसान होगा। मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि चूंकि वो खुद एक कैंसर का हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वो इंसानियत की बुनियाद पर कम से कम हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमत से अपील करें कि कम से कम मेरा मेडिकल चेकअप तो हुआ जाए ना। उनका कहना था, मुल्क की दौलत नहीं लूटी, इस बात की सजा दी जा रही है। जिनके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उन्होंने ही ठुकरा दिया। उन्होंने ही मुझे नहीं अपनाया, जिनके लिए मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उन्होंने मुझे नहीं अपनाया और बेगाने बन गए। और उन्होंने, एक साहब ने जो सरबरा है, उन्होंने तो ये कहा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं और वो चले जाएंगे। सलीम शहजाद का कहना था, अगर PSP से दावत आई तो गौर करूंगा। शाहिद हुसैन, 92 न्यूज़, कराची।